हेलो एवरीवन, इस वाले सेशन में हम लोग पढ़ने वाले कि स्ट्रेस को किस तरीके से डिनोट किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, टाउ एक्स वाई, इनका मतलब क्या होता है? वाई वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास मान लेते हैं स्ट्रेस एलिमेंट, आपने देखा होगा कि इस तरीके से दिया जाता है। स्ट्रेस एलिमेंट कुछ इस तरीके से आपके सामने बनाया जाता है। इसको दोबारा से बना लेते हैं, थोड़े अच्छे फॉर्म में बनाएंगे। इस तरीके से आपके पास स्ट्रेस एलिमेंट दिया गया और इस पे उन्होंने इस तरीके से बोल दिया, ये रहा सिग्मा एक्स एक्स एक्स, ये रहा सिग्मा वाई वाई, ये भी सिग्मा एक्स एक्स होगा। तो इनका मतलब क्या है और टाउ एक्स वाई का मतलब क्या है? तो हमारे पास मान लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, दोबारा से बनाएंगे। हमारे पास मान लेते हैं ये इसका जो दूसरा फेस है, इसका अगर हम 3D डायग्राम बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। अब हमारे पास तीन एक्सिस होती है, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। इसको कैसे बनाते हैं? एक्स ये रहा, वाई ये रहा और जेड, मैं आपको भी बता देता हूँ। एक्स इस तरीके से हुआ, वाई ऊपर और जेड बाहर की तरफ को। ठीक है, ये इस तरीके से दिखाया जा सकता है, एक्स के परपेंडिकुलर वाई, ये रहा वाई और बाहर की तरफ को जेड। तो ये तीनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री में बनाएगी। तो ये वाली जो आपकी एक्सिस है वो एक्स हो गई। और मैं आपको बताता हूं कि ये आपको एक फेस दिख रहा है, ये वाला जो फेस दिख रहा है ये फेस ही तो है, ये जो एलिमेंट है इसका फेस है, क्यूबिकल एलिमेंट हमने यहाँ पर लिया है, इसका फेस है। तो एक्स डायरेक्शन में जो फेस होगा उसको बोलते हैं एक्स फेस। तो ये आपका हो गया एक्स फेस। ठीक है, ये आपका हो गया एक्स फेस। सिमिलरली ये हो गया आपका, ये हो गया आपका वाई फेस और ये हो गया तुम्हारा जेड फेस, ये वाला हो गया तुम्हारा जेड फेस। ठीक है, और ये फेस तो हो गया एक्स और ये हो गया वाई डायरेक्शन, और सॉरी ये हो गया डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन हो गई, ऊपर की तरफ वाई डायरेक्शन और बाहर की तरफ हो गई जेड डायरेक्शन। तो अब जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस में स्ट्रेस को ऐसे डिनोट किया जाता है। मान लो सिग्मा, मैंने आप लोगों को बताया था कि नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट किया जाता है। तो मान फिलहाल अभी देखते हैं कि ये स्ट्रेस है, सिग्मा लिख दिया मतलब स्ट्रेस है। अब यहां पर स्ट्रेस को डिनोट कैसे किया जाता है? स्ट्रेस ऊपर स्ट्रेस होगा और ये है फेस और एक होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब जो सबस्क्रिप्ट में होगा, एक फेस होगा और एक डायरेक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे उसने लिखा सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा एक्स एक्स का मतलब, सिग्मा एक्स एक्स का मतलब एक्स क्या है इस समय? फेस। और ये एक्स क्या है? डायरेक्शन। एक्स फेस कौन सा हो गया? ये और एक्स डायरेक्शन, एक्स फेस और एक्स डायरेक्शन, यानी ये हो गया आपका सिग्मा एक्स एक्स। जो स्ट्रेस इस तरीके से लगेगा वो हो गया सिग्मा एक्स एक्स। अब मान लेते हैं उसने आपको लिखा टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई उसने लिखा, टाउ एक्स वाई, एक्स का मतलब एक्स क्या है इस समय? फेस। ये देखो एक्स फेस हो गया और वाई क्या है? डायरेक्शन। वाई क्या है? डायरेक्शन। एक्स फेस, फेस तो हो गया ये वाला, डायरेक्शन क्या है? वाई। मतलब ये कुछ दूसरे पेन से बना देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, ये कुछ ये ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है, ऐसा बनेगा, ये जो फेस है इसके पैरेलल बनने वाला है, ये हो गया टाउ एक्स वाई। ठीक है, टाउ एक्स वाई ऐसे बनेगा, एक्स फेस और वाई डायरेक्शन, एक्स फेस, फेस एक्स हो गया और वाई डायरेक्शन ऊपर की तरफ, जो मैं यहां पर तुम्हें दिखा भी रहा हूं। ठीक है, इसी तरीके से अगर वो तुमको कहे सिग्मा वाई वाई, सिग्मा वाई वाई बनाना है, वाई फेस, वाई फेस, वाई डायरेक्शन, तो ये रहा सिग्मा वाई वाई। इसी तरीके से अगर वो तुमसे कहे सिग्मा जेड जेड बनाओ, तो सिग्मा जेड को कैसे बनाओगे? ये रहा जेड फेस, जेड फेस ये रहा और जेड डायरेक्शन कौन सी है? बाहर की तरफ। तो तुम ऐसे बनाओगे, ये रहा तुम्हारा सिग्मा जेड जेड। अब वो तुमसे कहे मेरे को बताओ, बना के बताओ टाउ वाई एक्स, टाउ वाई एक्स बना के दिखाओ, तो तुम क्या करोगे? ये रहा तुम्हारा
वाई फेस, हमको पहले फेस चाहिए, फेस और डायरेक्शन, ये रहा वाई फेस और डायरेक्शन हो गया तुम्हारा इस तरफ, ठीक है। इसको फिर से हम ब्लैक पेन से बना देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा और ये हो जाएगा आपका टाउ वाई एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा आपका टाउ वाई एक्स। अगर वो फिर आपसे कहे टाउ, देखो हम हमेशा जो एक्सिस ले रहे हैं ये इधर की डायरेक्शन में एक्स पॉजिटिव और इधर की डायरेक्शन में एक्स, सॉरी इधर की ऊपर वाली डायरेक्शन में वाई पॉजिटिव, तो अगर वो आपसे कहे टाउ एक्स वाई, यानी एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो टाउ एक्स वाई आप बनाओगे ऊपर की तरफ को, ठीक है। अगर टाउ एक्स वाई की वैल्यू पॉजिटिव है तो टाउ एक्स वाई की वैल्यू आप बनाओगे ऊपर की तरफ को, अगर टाउ एक्स वाई निगेटिव है, टाउ एक्स वाई निगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, टाउ एक्स वाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। एक्स फेस तो पॉजिटिव है, एक्स फेस तो पॉजिटिव है, लेकिन वो उसकी जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ बन जाएगी निगेटिव, वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये टाउ एक्स वाई दोनों दोनों पॉजिटिव के हैं इसलिए ऊपर की तरफ को बना। अगर इन दोनों में से एक निगेटिव का हो जाए, वाई डायरेक्शन अगर निगेटिव की होगी तो ये नीचे की तरफ को बन जाता, ठीक है, ये नीचे की तरफ को बन जाता। अब हमें हमेशा इसको पॉजिटिव रखना है। अब तुम कहोगे कि अच्छा हमें एक चीज और पढ़नी है, यहां से हमने ये तो पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया कि स्ट्रेस को किस तरीके से डिनोट किया जाता है। अब हम यहाँ यहाँ पर एक चीज पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। अच्छा ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट वाले सेशन में हम कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो तुरंत इसी के बाद में बनाऊंगा, अगर बड़ी वीडियो जाती है तो लोग पसंद नहीं करते देखना, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस का जो कॉन्सेप्ट है अगले सेशन में पढ़ेंगे, बट इसी के आगे वहां पे कंटिन्यूएशन में चलेगा।